नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। आज हम आए हुए हैं कमला नगर में रेडी पटरी वालों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। क्यों किया हुआ धरना प्रदर्शन? G20 के नाम पे इनको हटा दिया गया था, अब ये रेडी पटरी दोबारा लगाना चाह रहे हैं मगर इनको MCD लगाने नहीं दे रही और कोई इनको जवाब नहीं देता। क्या इन लोगों का कहना, आइए आपको इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। श्रीमान जी, बात यह है कि ये धरना क्यों दिया गया और किस वजह से यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। हम कमला नगर में करीब 40-50 साल कम से कम पटरी लगाते आ रहे हैं। 70 साल की उम्र है मेरी और 50 साल से मैं बराबर इस पटरी पर आजीविका कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहा हूँ। गत 20 जनवरी से केशवरम जोन MCD द्वारा हमें यहाँ से G20 के नाम से हटा दिया गया। आज 9 महीने हो गए हैं पर हमें दोबारा पुनः माल लगाने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि G20 तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पूरी दिल्ली में कमला नगर को छोड़कर सब जगह पटरी लग रही है और अपने पटरी व्यापार चालू है, पर कमला नगर के साथ ही ये सोतेल है व्यवहार क्यों? हम जब भी MCD का ट्रक आएगा हम उसका विरोध करेंगे, उसको माल उठवाएंगे, पर माल उठवाने के साथ हम उसे एक चीज़ की मांग करेंगे, आप इस चीज़ का मीमो हमें दीजिए कि हमारा कितना माल आप यहाँ से ले जा रहे हैं। इसलिए विरोध करने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं और हमने यहाँ अपना धरना प्रदर्शन। रेडी पटरी कम से कम यहाँ 400 के आसपास हैं और जिनका सर्वे भी और उसमें महिला भी हैं और भी लोग हैं, लेकिन पहले जो बोला गया था वो कह रहे हैं G20 के नाम पे हटाया जा रहा है। G20 आ रहा है तो आप हट जाइए, तो अब G20 भी ख़त्म हो गया लेकिन किसी पटरी वालों को राहत नहीं दी जा रही है, ना लगाने दिया जा रहा है। जब हम DC साहब से मैं बात करते हैं या बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारा LG साहब का ऑर्डर है, LG साहब के पास जाइए वहाँ बात करिए, उनका ऑर्डर है। हमने कहा आप कोई लिखित ऑर्डर तो हमें दिखाइए, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो नई जॉब अभी आई है, मुझे पता नहीं, अगर होगा तो हम आपको देंगे, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर है नहीं। हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी सब बहनों भाइयों की रोजी रोटी नहीं चल जाती। किसी के घर में देखो कोई किराए पर रहता है, कोई कैसे रहता है, कैसे अपना घर परिवार पाल रहा है। हम इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं, जो हमारे जो पटरी उजाड़ रहा है हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और MCD का घेराव करते रहेंगे। धन्यवाद। नाम होना है, ये 9 महीने से रेडी पटरी के नहीं लगने दे रहे हैं और क्या नाम है, मैं देखो सोच सोच के मैं बीमार पड़ गई हूँ और बहुत से जो लगाते हैं उनको उठा लेते हैं और छोड़ने के बावजूद भी फिर लगाने नहीं दे रहे हैं। 9 महीने से हमारी हो रही है। आप रेडी पटरी में यही विनती करती हूँ, सब सबकी लगे, हमारी भी लगे, हम तुम्हारी तबीयत खराब होगा ये सुन सुन के। मैं यहाँ कहाँ जाऊँ, मैं इतने साल से रही, मैं वो यही उम्र हमारी। सर जो हम लोग का ना पहले MCD वाले हमको वहाँ पर आया, वहाँ पहले सर्वे किया, उसके बाद कागज़ तैयार करके उसके बाद हम लोग इलीगल मतलब सब कोई को बैठा दिया गया, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट इसने बुला कर दिया, फिर लोन दिया इसने, LOR किया इसने खुद MCD। आज क्या करता है कि आज मुझे वहाँ से उजीपरण कर रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है, कह रहा है आप कमल नगर छोड़ के और कहीं चले जाओ। मैं कहाँ जाऊँ, 20 साल से वहीं मेरी रोजी रोटी चल रहा है साहब। फिर मेरी हाई कोर्ट से भी सुनवाई हो गया कि शंकर साहब को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है, इसके आज बावजूद मुझे मारा जाता है, पुलिस वाला मारता है, MCD मेरा माल उठा के ले जाता है, लूट के ले जाता है, ना कोई गिनती करता है, जैसे मर्जी उठा के फेंक देता है, पूरे माल खराब कर देता है, उसमें से भी चोरी हो जाता है जी। उसके बाद मेरा वहाँ जाता हूँ तो 10,000 के प्लांटी काटता है, ये चलान काटो, मैं कहाँ से दूंगा पैसे भी, माल भी जाएगा और पैसे भी जाएगा जी। मैं मुझे दिक्कत हो रही है, अब इसलिए हम पर सुनवाई किया जाए। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, यहाँ के MLA का जो भी है, अगर हमारी नहीं सुनवाई होगा हमारा पेट पर लात मारा जा रहा है, मेरा बच्चे पढ़ रहा है लिख रहा है, मैं गरीब हूँ कहाँ से खाऊंगा, अगर इस तरह मेरा होगा तो मैं धरना जारी रखूंगा, मैं अपने हक के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। जय हिंद जय भारत। 9 महीने से हम परेशान हैं और 9 महीने से हम भुगत रहे हैं और हमने सरकार का साथ दिया, उन्होंने कहा कि G20 की वजह से हो रहा है, हमने प्रशासन का साथ दिया कि जैसे तैसे करके हम अपना घर चला रहे हैं, हम कैसे चला रहे हैं वो हमें ही पता है, जहाँ से तहाँ से हम करके पूरा अपना घर चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से किराया कैसे भर रहे हैं, बच्चे कैसे पाल रहे हैं, कैसे दवाइयाँ कर रहे हैं, घर में कोई बीमार है, कोई बूढ़े बुजुर्ग है, उनका खर्चा, दूसरों का खर्चा हम कैसे कर रहे हैं, कर्जे के ऊपर हम कर्जा लेके कर्जा भर रहे हैं, ऐसे करके हम अपने घर चला रहे हैं और ये 9 महीने से लगातार हो रहा है, लगातार ऐसे ही करे जा रहे हैं और परेशान किए जा, अभी भी G20 बीत गया, अब इसके बाद भी क्यों नहीं है करने दे रहे, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे हम घर चलाएंगे, घर चलाएंगे कैसे, सरकार से हमें ये चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि क्यों नहीं लग रही, हम कैसे घर चलाएं, हम सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें ये बताओ कि हम ये सब रेडी पटरी वाले जाए तो कहाँ जाए।
आप ये सवाल बताओ कि क्या करें, चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हम हाथ में लेके घूमते हैं, हम हाथ में लेके सारा दिन घूमते हैं और मेहनत करके शाम को अपने ताजा लाते हैं, ताजा खाते हैं, रोज रोज 100-200 बनाते हैं, हाथ में लेके घूमते हैं और अपना ताजा, अब तो वो भी बंद कर दो, हम कैसे चलाएंगे, ये बगैर कहीं सब चोरी चकारी करना शुरू कर देंगे लोग और क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो सरकार से यही पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि हम कैसे अपना घर चलाएंगे, ऐसे बच्चे पाल रहे हैं, पैसे वाले के क्यों सुने जा रहे हैं, लोन लेते हैं, लोन भरते हैं, लोनों का भरा ही नहीं, और एक कर्जे के बदले हम दूसरा कर्जा ले रहे हैं, ऐसे ही चला रहे हैं, कहाँ से चलाएंगे, ऐसे कब तक चलाएंगे, 9 महीने से हम चला रहे हैं लगातार, कब तक चलाना पड़ेगा हमें ऐसे, इसका अब अंत आना चाहिए, हर जगह कह रहे हैं पटरी लग रही है, हमारे साथ ही अत्याचार क्यों है, जनपद लग रहा है, कनाल प्लस लग रहा है, सब लग रहा है। देखिए आज हम लोग कमला नगर बैठेंगे धरने पे, अगर कोई सोल्यूशन निकल जाता है तो हम इसको यही रोकेंगे, नहीं तो हम सिविक सेंटर एलजी हाउस भी जाएंगे धरने के लिए, और यहाँ भूखे मरना इससे बढ़िया हम उनके घर के सामने जाके बैठेंगे, सीएम हाउस भी जाएंगे, केजरीवाल जी के पास भी जाएंगे और वहीं जाके सारे के सारे बैठेंगे। नगर मेरा राम यज्ञ नाम है, कमला नगर कोल्हापुर पर मैं पटरी लगाता हूँ, और इन लोगों के अत्याचार से मैं इतना तंग हो गया हूँ भाई साहब कि घर में बूढ़ी माँ है, पैर दोनों खराब है कि उठ नहीं सकती, 3 बच्चे हैं, बीबी है, सबका खर्चा इसी रेहड़ी से चलता है, छोटी सी रेहड़ी है, और 9 महीने बीत गए, किस हालात में मैं घर चला रहा हूँ इसका अंदाज़ा इन लोगों को नहीं है, देख लेंगे तो छीन के लिए उठाएंगे, जैसे मैंने उनका माल चोरी किया हो, जो हमारे पास माल होता है लगता है कि मैंने उन्हीं का लिया हुआ है, ये मेरा नहीं है, ऐसा उनको समझ में आता है, दौड़ा दौड़ा के पकड़ते हैं। ठीक है, पहले क्या था कि पहले रेहड़ी पटरी खड़ी रहती थी और MCT का ट्रक आता था, ठीक है, तो वो लोग ट्रक आने पे हटाते, अब तो MCT का ट्रक बाद में आता, पहले आदमी पहले आते हैं, वो 5-5 की टीम बना के आते हैं, हेलमेट लगाए रहते हैं, पता नहीं लगता कि ये आम पब्लिक है या MCT वाले हैं। ठीक है, पैदल आते हैं, हमारे माल के पास आ जाएंगे, ऐसे माल उठा लेंगे और माल उठा करके फिर उसके बाद उसको उठा करके ट्रक में डाल देंगे, बाद में ट्रक आता है, ज़बरदस्ती चोरी करते हैं, एक तरह से डकैती करते हैं, इस तरह आखिर क्यों करते हो भाई, हम भारत के नागरिक नहीं हैं, हमने भारत में जन्म नहीं लिया है, हम भारत के निवासी नहीं हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम इस देश के नहीं है क्या, हमें समझ में नहीं आता कि हमारा गुनाह क्या है और हम क्यों ऐसे प्रताड़ित हो रहे हैं, हम अगर चोरी करते, हम किसी की छीना झपटी करते तो हम गुनाहगार थे, हमने तो सामान बेचना शुरू किया, हमारे मोदी जी ने हमको लोन इसी बेस पे दिया है कि सशक्त भारत हो, अपने हाथ से कमाए खाए, मजबूत बने और अपने बल पे खड़ा हो, इस तरह का उन्होंने लोन दिया है स्वनिधि योजना के तहत, हमें लोन चुकाने के लिए, हम कमाएंगे तब तो चुकाएंगे भाई साहब, अगर कमाएंगे नहीं, कमाने नहीं दोगे तो चुकाएंगे कहाँ से, हमको कहते हैं कि यहाँ से भूल जाओ, कमला नगर भूल जाओ, कमला नगर में नहीं लगाना, तो कमला नगर में नहीं लगाना, बहन जी कमला नगर में नहीं लगाना तो हमें बताओ कहाँ लगाना, आप हमें बताओ ना भाई साहब, अगर हमें छोड़ दें हम कहाँ जाएं, आज 15 साल से यहाँ लगा रहे तो कोई नहीं बोल रहा, जिसके दरवाजे पर लगाने जाएंगे वो लात मार के भगाएगा मुझे कि यहाँ नया नया क्यों आ रहा है, कहाँ जाएंगे, कोई जगह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, हमने एक समाचार पत्र में सुना था आज के 5-6 महीने पहले, LG का आदेश था बहन जी, LG का आदेश था कि इनको सुव्यवस्थित कर करके रेहड़ी पटरी को, फिर इनको कहीं व्यवस्थित करके तब इनके साथ कोई, और नहीं तो इनको किसी तरह से बर्बरता ना किया जाए, तुम तो सरासर बर्बरता कर रहे हो, तुमने तो हमारी कोई व्यवस्था करना तो दूर, जबरदस्ती हमारा माल छीन के ले जा रहे हो, शाम को हम दूध सब्जी घर के राशन कहाँ से ले जाएंगे बताइए, एक दिन में 50 रुपया तक नहीं कमाते हम, 9 बजे तक रोज का 200 रुपया 250 रुपये, शुगर और BP की मरीज है मेरी माँ, उसके बावजूद भी उसकी दवा लगती है, बच्चों की पढ़ाई लगती है, प्राइवेट वाले खून चूसते हैं, स्कूल के लोग इतना फीस लेते हैं, बताओ हम कहाँ से दे भाई साहब, क्या गलती है हमारी कि हम रेहड़ी पटरी लगाते हैं, ये हमारा गुनाह है, हम अपने बच्चे पालते हैं ये हमारा गुनाह है, भारत में पैदा होकर के रोड पे सामान बेचते हैं यही हमारा गुनाह है, आखिर क्या गलती है हमारी बताओ, क्यों ऐसा हमारे साथ प्रताड़ित कर रहे हो, हमें कोई जवाब तो दे, प्रधानमंत्री जी जवाब दें, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी जवाब दें, MCD की सरकार जवाब दे, आखिर कोई जना तो आगे आओ बताओ हमारा, हमें क्यों नहीं लगाने दे रहे हो, कोई जवाब नहीं देता है, MCD का ट्रक का अधिकारी सीधा माल झपट के ले जाता है।